गाइज हाय वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूँ शाइनी। शादियों का सीजन है एंड वेडिंग सीजन में हम सब चाहते हैं कि हमारे फेस पर एक ग्लो हो, हमारा फेस बहुत ही ज्यादा क्लियर हो। एंड उसी ग्लो को पाने के लिए मैं ट्राई करती हूँ एक फेशियल जो कि एकदम घर पर इजी है और बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है, क्योंकि यही फेशियल अगर आप पार्लर में जाकर करेंगे तो आपको 1500 से 2000 रुपए इजिली खर्च हो जाएंगे। सो ये फेशियल आप घर पर ही 500 रुपीज के अंदर इजिली कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है इसके स्टेप्स, तो मैं आप लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगी। एंड विंटर सीजन में बहुत ही ज्यादा ड्राई हो जाता है स्किन, जिसकी वजह से डल लगने लगती है, डार्क पैचेस हो जाते हैं स्किन में एंड स्किन से ग्लो हट जाता है। तो इस फेशियल को करने से स्किन पर जो ग्लो है वो लौट आएगा, स्किन बहुत ही ज्यादा क्लियर, ब्राइट और बहुत सुंदर भी दिखने लगती है। सो आई पर्सनली लव दिस फेशियल एंड जब भी कोई इवेंट है, कोई स्पेशल दिन है या फिर कोई वेडिंग फंक्शन है तो मैं उससे पहले इस फेशियल को हमेशा करती हूँ। सो आज मुझे लगा कि आप लोगों के साथ डेफिनेटली इसे शेयर करना चाहिए। और ये बहुत ही अफोर्डेबल है और नेचुरल भी है, तो टीनेजर्स और जिनके पास उतना ज्यादा टाइम नहीं है तो आप इस फेशियल को फॉलो कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो। ये जो फेशियल मैं करूंगी ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इसमें है शिया बटर, कोको, जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। स्किन को इंटेंसली मॉइस्चराइज भी करता है, एट द सेम टाइम स्किन को क्लियर करता है एंड ग्लोइंग भी बनाता है। सो दिस इज टोटली ऑर्गेनिक। सो अगर आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है फिर भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है DNQ शिया एंड कोकोआ ऑर्गेनिक फेशियल किट। लुक एट द पैकेजिंग लुक्स सो क्यूट एंड बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा मुझे इसका पैकेजिंग। और ये मैंने परचेज किया है फ्रॉम फ्लिपकार्ट, बट आपको ये अमेजन पर भी इजिली मिल जाएगी। जो भी लिंक्स एंड ऑल है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड कर दूंगी। सो इसको ओपन करने से एंड द बेस्ट पार्ट इज इसका जो पैकेजिंग है ना वो भी बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनिक एंड नेचुरल पैकेजिंग है, क्योंकि प्लास्टिक बैग्स एंड उसमें ये नहीं आता है, ये एकदम रीयूजेबल एक बैग में आता है। तो इस बैग को आप किसी भी, इस पाउच को रादर आप किसी भी तरीके से रीयूज भी कर सकते हैं। इस फेशियल किट के 4 सिंपल स्टेप्स है, तो ये छोटे छोटे ऐसे कंटेनर्स में आते हैं। इसमें 4 स्टेप्स है। पहला स्टेप है क्लेंजर, फिर स्क्रब, फिर मसाज क्रीम एंड लास्ट स्टेप है फेस पैक। पहला स्टेप है क्लेंजर। क्लेंजर को अपनी फेस पर डॉट्स में अप्लाई कीजिए, इवनली अपने होल फेस एंड नेक पर अप्लाई कीजिए एंड फिर इसे हल्के हाथों से मसाज कीजिए। ज़्यादा प्रेशर मत इस्तेमाल कीजिए, जस्ट अपने फिंगर टिप्स से इसे मसाज कीजिए। जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ बस उसी तरीके से इसे हल्के हाथों से मसाज कीजिए। इससे क्या होता है, डेड स्किन सेल्स रिमूव हो जाती है, स्किन में जो भी डर्ट है, पोल्यूशन है, वो पूरा रिमूव हो जाता है एंड स्किन को फेशियल के नेक्स्ट स्टेप के लिए प्रिपेयर करता है। सेकेंड स्टेप इज स्क्रब। स्क्रबिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्किन से डेड स्किन सेल्स को पूरी तरीके से रिमूव करने के लिए और ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स को रिमूव करने के लिए। लेकिन इस स्क्रब का जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ही क्रीमी है, क्योंकि इसके अंदर शिया बटर है, कोकोआ है। शिया में हाई कंसेंट्रेशन में फैटी एसिड्स होते हैं, विटामिन होते हैं, जिसकी वजह से स्किन को बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बनाता है। तो ये स्क्रब बिल्कुल भी हार्श नहीं है, स्किन में कोई कट्स तो दूर की बात, ये स्किन में कोई हार्श फीलिंग भी नहीं देता, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। तो आप इसी तरीके से अपनी स्किन पर जहां पर ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स और डेड स्किन सेल्स ज्यादा है वहां पर कंसंट्रेट करके आप वहां पर मसाज दीजिए, ताकि रिमूव हो जाए वो डेड स्किन सेल्स एंड ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स। मेक श्योर आप जब स्क्रबिंग करें तब सिर्फ मिनिमम प्रेशर ही इस्तेमाल करें, ज्यादा हार्श आप स्क्रबिंग ना करें, क्योंकि उससे फिर स्किन पर रेडनेस भी हो सकती है। नेक पर भी स्क्रबिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर मैं अपने फेस को थोड़ा सा वेट कर रही हूँ, क्योंकि वेट फेस पर ही आपको स्क्रबिंग करना है। थर्ड स्टेप इज मसाज क्रीम।
इस मसाज क्रीम को अपने होल फेस पर अप्लाई कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे मसाज कीजिए। जिस तरीके से मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ उसी तरीके से मसाज करना है। अपने फिंगर टिप्स से आप अपने फेस पर मसाज कीजिए अपवर्ड स्ट्रोक्स पर, थोड़ा सा सर्कुलर मोशंस में। और इसी तरीके से अगर आप मसाज करेंगे तो फेस पर एक बहुत ही अच्छा सा ग्लो प्रोवाइड होगा, क्योंकि मसाजिंग से ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है। इस फेशियल किट में कोकोआ है जो भरपूर मात्रा में, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारी स्किन को फ्री रेडिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। इनफैक्ट कोकोआ में फ्लेवोनॉइड्स भी होते हैं, तरह तरह के विटामिन्स होते हैं, जिसकी वजह से स्किन बहुत ही ज़्यादा हेल्दी लुकिंग हो जाती है। अब है लास्ट स्टेप विच इज फेस पैक। एंड ये फेस पैक काफ़ी अच्छा लगा मुझे, क्योंकि बिल्कुल इसका जो फ्रेग्रेंस था ना वो बहुत अच्छा था, एकदम नेचुरल फ्रेग्रेंस थे इसकी। तो ये फेस पैक आपको इवनली अपने होल फेस पर, अपने नेक पर अप्लाई करना है। एंड इसे बस मिनिमम 10 मिनट्स के लिए आप सूखने के लिए छोड़ दें, उसके बाद आप इसे नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद आप देखेंगे आपकी स्किन कितने ज़्यादा हेल्दी फील हो रही है। वॉश करने के बाद रिजल्ट आपके सामने है। मेरा जो फेस है वो बहुत सॉफ्ट फील हो रहा था, एंड फेस पर जो ग्लो है वो तो आप देख ही सकते हैं। आप इस फेशियल को मंथ में 2 टाइम्स भी कर सकते हैं, सो एवरी 2 वीक्स के बाद आप इस फेशियल को डेफिनेटली कर सकते हैं। फेशियल को करने से आपको इंस्टेंटली रिजल्ट दिखेगी, और मुझे ये फेशियल बहुत ही ज्यादा पसंद है। इट इज माय गो टू फेशियल, किसी भी स्पेशल डे से पहले मैं इसे करना पसंद करती हूँ। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।